अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आप लोग सब कैसे हैं? मैं हूँ बिल्कुल ठीक। और आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी नन्ही बेटी की चल रही है शादी, तो आज है उसका बारात का इवेंट। तो हम लोग करने तैयारी हैं, सुबह से उठी हुई हूँ। तो खैर आज बहुत लेट हो गई हूँ मैं उठते, तो बस अब लगी हुई सफाइयाँ करने। तो सफाई करने के बाद मुझे करने कपड़े प्रेस, सबके कपड़े निकाल चुकी हूँ। उसके बाद मुझे 2 बजे तक पहुँचना है पार्लर। इस दफ़ा मैं हो रही हूँ कहीं और से तैयार, अपनी ऑनर से नहीं हो रही हूँ। देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है मेरा। तो गाइज मैंने लगवाई है मेहंदी, तो बस मैंने बहुत सिंपल सी मेहंदी लगवाई है, मुझे ज़्यादा मेहंदी नहीं पसंद। पैरों पे भी सिर्फ फिंगर्स बनवाई है और हाथों पे भी बंचेस, और बाकी सब है। नन के घर पे रुके हुए हैं, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में मेरे घर पर। और जो इन लोगों ने इन्जॉय और जो भी करा है ना मेरे घर में रह के, ऐसा लगा था मेरे घर की शादी है, मेरे घर पे ही शादी है। बट रात भी बहुत लेट ये लोग मेरे घर से गए हैं। तो अभी चलते हैं, करते हैं काम थोड़े से, और दिखाते हैं कि आज के हम लोगों ने ड्रेस कैसे बनवाए हैं और कैसे ड्रेसिंग करवा रही हैं बच्चियों को भी अपनी। तो चलते हैं। तो गाइज ये कुछ कपड़े हैं बारात के रखे हुए हैं, ये टंगे हुए ये रहे, और बाकी जो मेरा ड्रेस है वो है टेलर के पास। थोड़ा सा उसका फिटिंग वगैरह करवानी थी, तो वो है टेलर के पास, बस वहाँ से आता है, तो फिर वो भी दिखाते हैं। गाइस ये लोग आ चुके हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं, ये मेरे नेल्स लगा रहे थे, हम लोग जा रहे हैं पार्लर। तो सब बस रेडी देखें, और मैंने गाइस मैंने इन सब के कपड़े प्रेस किए मैंने, और मैंने पूरे घर की सफाई करी है। उसके बाद जो है ये मैंने कपड़े पूरे बैग पैक करा है ताकि हम जाएँ पार्लर। तो ये सब सीन है, सब मैंने करा। गाइज ये लोग सिर्फ वहाँ पे बैठे हुए हुकुम चला रहे थे, ये कर दो ये कर दो ये कर दो, तो बस सब कर रही है। तो गाइज यहाँ पे 2 बज रहे, मुझे इतनी टेंशन हो रही है, ये लोग अभी तक पार्लर के लिए नहीं निकल रहे, और ये लोग इनका खाना पीना ही खत्म नहीं हो रहा है। लोग वहाँ से भूखे प्यासे आए हैं, और अभी भी इनका नहाना धोना हुआ है। अब ये देख रहे हैं आप लोग, और अब ये बिरयानियाँ चल रही है, मतलब जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं है इन लोगों के पास। अच्छा लिखा, तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं सैलून के लिए, हमारी गाड़ी आ गई है, ऊपर मंगाई हमने। तो ये लोग घर पर है और हम लोग जा रहे हैं 3 ऑटो। गाइस ये ड्रेसेस है, ये जो है ना ये ब्लैक वाला याशिमा जी का, इसके नीचे मेरा। तो चलिए चलते हैं, पहुंचते हैं वहां पर, ऐसे ही लूंगा, मुझे कुछ दे दो सर। तो चलो चलते हैं गाइस, हम लोग बहुत हो गए, पहुंचना भी 6 बजे का है। तो हम लोग कौन से सैलून जा रहे हैं लिशमा? सरमवाल वहां जाके देखो, उनके भाई लोग जाते हैं। बेटा आ जाओ जल्दी यार, लोग मुझे छोड़ के जा चुके हैं, इतनी तेजी तेजी से जा रहे हैं, इसे इन लोगों को जाना है सर। व्लॉग नहीं बनाओ बैठेंगे, आपको लग जाएगी। क्यों लगेगी? प्लीज मेंस के लिए कार्ड दे देना मोमो भाई को। चले मौलवी शहीद मिल जी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, चलते हैं अंदर। अंदर जाके आ जाओ लिजबा। तुम लोगों ने इतना भारी बैग मुझे पकड़ा है कि बस देख कर तुम्हारी जुल्फे खुली। इतना बोल रही है कि कुछ ना कुछ गलत ना हो जाए। बस मैं, मेरा आईज मेकअप हो चुका है, मेरा पूरा फुल मेकअप हो चुका है, बस अब मैं जा रही हूँ हेडिंग के लिए। तो ड्रेस ही देख रहे हैं, करवाते हैं। अलिशा तुम इतनी प्यारी तो लग रही है, पागल।
नाइस ही है। अब मैं जाऊं पर जाऊं तो गाइस मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। अब मैं हम चलते हैं ऊपर, ऊपर जाके करते हैं अपनी रील्स पहनते हैं और कैसा लग रहा है मुझे तो खाली बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का मेकअप वगैरह और यहाँ के स्टाफ खुश नवा, तो ऊपर चलते हैं और चलिए अच्छी बच्चे का लुक देखते हैं और प्लस बाकी चीज़ें करते हैं। हो गई आप रेडी? जिसने किया चले आप अपनी आवाज सुना दें। नाम बताए ना अपना। बहुत अच्छा मेकअप किया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नाम बताए आप अपना। खतीजा है मेकअप आर्टिस्ट। सनम मालवी सलोन, वो तो मैं कैप्शन में डाल दूंगा। अच्छा मैं जाऊं पीछे। और जिन्होंने हमारा बेस बनाया उनका क्या नाम है? अनम। थैंक यू अनम। चलो अभी सलून की स्टाफ भी बहुत अच्छा है और इन लोगों ने मेकअप भी बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच। रेडी का वेट कर रहे हैं, हम बाहर आ चुके हैं तो निकलते हैं, चलते हैं घर की तरफ। काफी टाइम हो गया, लेट हो गया बहुत ज्यादा। हम आपको पता है हमें दूल्हा लेने आया, दूल्हा लेने आया और दूल्हा का भाई। तो मैं आप लोगों को जब ये उतरेगा तो फिर मैं दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है बेचारा हमारा दूल्हा। गाइस आप मेरी इम्पोर्टेंस चेक करें बस, कि मुझे दूल्हा खुद पिक करने आया है। ठीक है, हाँ ये चेक करें। मामा सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हूँ। दूल्हा का भाई है तो अब आप समझ रहे दूल्हा कौन, दुल्हन की बहन। और ये है दूल्हा गाइस, ये है दूल्हा। चलो चलो कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, शादी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, शादी मुबारक। ओ भाई माशाल्लाह, शादी मुबारक। यार हम मामा के पास, मैं भी उनसे नहीं है। शादी मुबारक। चलो अब ये है हमारी, इसके सबको सब जानते हैं यहाँ पर। और ये है इनकी अम्मा, इनको जानकर खाना। और ये रहा दुल्हन का भाई। एक ये रही, हाय करो, हाय 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 हाय।